विगत 600 वर्षों के भारतीय समाज के इतिहास की सीमाओं को लांघकर जिस संत की निर्भय वाणी का अनहद नाद भारतीय जनमानस में आज भी निरंतर गूंज रहा है, वो संत और कवि कबीर इसी काशी के निवासी थे। धरती धन्य जहां पर जन्मे, धरती धन्य जहां पर जन्मे, साध संत फकीर भैया। काशी की माटी में प्रगटे सतगुरु संत कबीर भैया, सतगुरु संत कबीर। धरती धन्य जहां पर जन्मे, साध संत फकीर भैया। काशी की माटी में प्रगटे सतगुरु संत कबीर भैया, सतगुरु संत कबीर। जाति पाति और ऊंच नीच का सारा बंधन तोड़ा, जाति पाति और ऊंच नीच का सारा बंधन तोड़ा। मानव भीतर मानवता का सच्चा नाता जोड़ा, मानव भीतर मानवता का सच्चा नाता जोड़ा। कल्पित देवी और देवता तीर ओलिया ओझा, कल्पित देवी और देवता तीर ओलिया ओझा। साहस से सब बोलल कारा दूर हटाया बोझा, दूर हटाया। इसी काशी के किनारे है ये लहर ताल। कहा जाता है कि बालक कबीर यहीं पर नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति को सन 1398 की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कमल के फूलों के बीच पड़े मिले या प्राप्त हुए। आज इस ऐतिहासिक स्थल पर लहर तारा मंदिर और कबीर प्राकट्य धाम बना हुआ है। कबीर पंथ की परंपरा में ये प्रचलित है कि समाज को प्रकाश देने के लिए तेज पुंज कबीर प्रकट हुए। 1455 साल गए चंद्र बार एक ठाठ धरे, जेठ सूदी बरसायत को पूरण मासी तिथि प्रकट भये। अनगर जे कामिनी दम के बूंद बरस झर लाग गए, नहर तालाब में कमल खिले, तहां कबीर भानु प्रगट भए। नीरू और नीमा तेजस्वी बालक को पाकर प्रसन्न हुए, धन्य हुए। वो उसे अपने घर नरहरपुरा ले आए और बालक का नाम रखा कबीर, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबको ऊंचा करने वाला। यही है चंदन शहीद का मजार, इमाम बाड़ा, औघड़नाथ का तकिया, गोरखनाथ की मठिया और संतों फकीरों का जमघट। इसी तरह की पंचमेल संस्कृति में पले बढ़े कबीर। बालक कबीर में धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना विकसित होने लगी, पर उनका मन बेचैन था। वो अपने आसपास के धार्मिक वातावरण और कर्मकांडों से असंतुष्ट थे। कबीर को राह नहीं मिल रही थी। मंदिर से धक्का मिला तो मस्जिद में चले गए, वहां से ठोकर खाई तो मजार पर चले गए, वहां झाड़ फूंक जादू टोना देखा तो गोरखनाथ की मठिया पर चले गए। अपने जातिगत पेशे से भी उनका मन उचटने लगा। ये देखकर नीरू और नीमा के मन में चिंता होने लगी। कबीर की
कबीर सच्चे गुरु और सच्ची राह की तलाश में थे। भाई कोई सत्य गुरु संत कहावे, भाई कोई सत्य गुरु संत कहावे, मैं ननिहाल के लखावे, मैं ननिहाल के लखावे। उस समय काशी में स्वामी रामानंद के मानवतावादी और समतावादी विचारों की महिमा फैल रही थी। कबीर ने भी सुना तो वो भी रामानंद के पास गए, दीक्षा के रूप में नहीं, औचक उनके पांवों से टकराकर विचारधारा ले ली, समझदारी का बाना पहन लिया, काम नहीं छोड़ा, घर नहीं त्यागा। एक पहुंचे हुए संत के रूप में कबीर की ख्याति चारों ओर फैलने लगी, लोग उनके पास जुटने लगे। उनकी अपूर्व ख्याति और लोकप्रियता का कारण ये था कि वो अपने ढंग के ऐसे अकेले संत थे जिनकी गृहस्थी और भक्ति में कोई विरोध न था। वो राग और विराग को एक साथ साधते थे। वो चरखा कातते हुए, कपड़ा बुनते हुए ईश्वर की भक्ति के गीत गाते थे। कबीर की भक्ति का ये रूप जितना सहज था उतना ही आकर्षक भी। उनके पदों में मुक्त आत्मा के उल्लास और आवेग का संगीत स्पष्ट सुनाई पड़ता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसी भक्ति की बात की जिसमें ना तो मंदिर मस्जिद के लिए कोई जगह थी और ना ही उससे जुड़े किसी कर्मकांड की। वो तो कहते हैं कि ईश्वर तो मनुष्य के अंदर ही है, उसे अज्ञानतावश मनुष्य देख नहीं पाता। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद पैदा करने वाला कोई भी सिद्धांत कबीर को स्वीकार नहीं था। उन्होंने न तो धर्म को मनुष्य की पहचान का आधार माना और न ही जाति को। उन्होंने मनुष्य को केवल उदात्त मनुष्य के रूप में देखा और स्वीकार किया। उनकी कविता मनुष्य से प्रेम करना सिखाती है और इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। कतेब दीन और दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी, ऐसो भेद विमुचन भारी, ऐसो भेद विमुचन भारी। एक जाति से सब उत्पन्ना, एक जाति से सब उत्पन्ना, ब्राह्मण को सूदा। कबीर ने साखी, सबद और रमैनी के रूप में जो कुछ कहा है वो किसी पुराण या कुरान से लेकर नहीं, बल्कि अपने जीवन जगत के अनुभव के आधार पर कहा। वो कागज लेखी के बदले आंखों देखी के कवि थे। बोल
दटी जात कुल दो विसारी सुन सहज माहे गुनत हमारी हमरा झगड़ा रह न को पंडित मुल्ला छाड़े दो। कबीर सामान्य जनता को शासन के भय से ही नहीं लोक में फैले भ्रम और अंधविश्वास से भी मुक्त कराना चाहते थे। काशी के बारे में यह अंधविश्वास था कि जो वहां मरता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। वो इस लोक प्रचलित अंधविश्वास के खंडन के लिए और अपनी कथनी करनी की एकता सिद्ध करने के लिए ये कहते हुए काशी छोड़कर मगहर चले गए। लोकामति के भोरा रे लोकामति के भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहा निहोरा रे तब हम वैसे अब हम वैसे ही है जन्म का लाहारे लोकामति के भोरारे लोकामति के भोरारे कह कबीर सुनहु रे संतो हमी पर जिमी कोई रे जस काशी तस मगहर उतर हृदय राम सती होई रे लोकामति के जैसे काशी में उनके आसपास जनता जुटती थी उनकी बातों को ध्यान से सुनती गुनती थी उसी तरह मगहर में भी सत्संग और ज्ञान चर्चा का अखंड प्रवाह चलने लगा। मगहर नाथपंथ का प्रभाव क्षेत्र था। कबीर के कारण ये भी ज्ञान का केंद्र और प्रेम का तीर्थ बन गया। मगहर में भी बड़ी संख्या में बुनकर रहते थे। कबीर के कारण यहां भी श्रमजीवी संस्कृति को एक नया जीवन मिला। मगहर में थोड़े दिन रहने के बाद कबीर को इस संसार से अपने विदा होने का पूर्वाभास हो गया था। एक बच्चे के रूप में उन्हें जो निर्मल काया मिली थी वो उसे वैसी ही निर्मलता के साथ जस की तस छोड़ देना चाहते थे। कबीर के जन्म के बारे में जैसी रहस्यमय और चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं वैसी ही लोक कथाएं उनके देहावसान के बारे में भी कही जाती हैं। उनके देहावसान के बाद उनके शव को हिंदू जलाना चाहते थे जबकि मुसलमान दफनाना चाहते थे। कहा जाता है कि चादर पर कबीर के शव के स्थान पर फूल मिले जिसे हिंदुओं और मुसलमानों ने आधा आधा बांटकर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसे जलाने और दफनाने की प्रक्रिया पूरी की।
मकबरा भी बना और समाधि भी। संत कबीर अकेले ऐसे महापुरुष हैं जो एक साथ कब्र में भी दफन हैं और समाधि में समाधिस्थ भी। उनके ये दोनों स्मारक हिंदू मुस्लिम एकता के केंद्र हैं। मगहर में आमी नदी के किनारे कबीर की समाधि और मकबरे के अलावा कबीर धूनी और गोरख तलैया भी कबीर के जीवन से जुड़ी स्मृतियों के साक्षी हैं। कबीर के देहावसान के बाद उनके भक्तों को उस काशी और कबीर चौरा की भी याद आई जहां से कबीर ने अपनी जीवन यात्रा और ज्ञान साधना प्रारंभ की थी। उनके शिष्यों ने मगहर से पुष्प लाकर कबीर चौरा में एक समाधि निर्मित की जहां आज समाधि मंदिर बना हुआ है। काशी में कबीर जहां बैठकर बोलते थे वो जगह विचार मंच बन गई, उसे कबीर चौरा कहते हैं। इसी चौरे पर आज कबीर चौरा मठ है। मठ में कबीर साहब का खड़ाऊं, काठ की हंडिया, रामानंद जी की दी हुई माला, गोरखपंथी का झुक कर दिया गया त्रिशूल और उनके अपने करघे के टुकड़े हैं। बीजक मंदिर है। यही कबीर के माता पिता की समाधि है जिसे नीरू टीला कहा जाता है। कबीर के इसी चौरे से इंसानियत का जो दिया जला उसने दुनिया भर के लोगों को जीने की राह दिखाई है। जहां कहीं भी उजाला है, प्रकाश है, कबीर जैसों की समझ ही है उसके पीछे। ज्ञान का यह कबीरी प्रकाश, इंसानियत का यह संदेश जीवित है आज भी एक एक आदमी के मन में, इंसानियत के एक एक अंकुर में। इन जाती हुई पदछापों और गूंजती हुई धुनों का संदेश है कि न मिट सकता है, न जल सकता है, न दफन हो सकता है कबीर का सदा प्रासंगिक ज्ञान। भले ही कबीर आज सदेह न हो, ठीक ही कहा है कबीर ने, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम का मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे भरी भरी राम रसायन पी वही, भरी भरी राम रसायन पी।